अब एक ऐसी खबर जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई के बीच सुकून देने वाली है। लॉकडाउन में जब गरीबों और मजदूरों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, तब कई हाथ सामने आए जो ऐसे लोगों का ख्याल रख रहे हैं। पूरी दुनिया में इस्कॉन टेंपल के सामाजिक और धार्मिक कामों से आप वाकिफ होंगे। आज देखिए कैसे कम्युनिटी किचन से इस्कॉन टेंपल हर रोज लाखों लोगों का पेट भर रहा है। कहीं पूड़ियां तली जा रही हैं, कहीं चावल बन रहा है, कहीं खाने को पैक किया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में उन लोगों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है जो रोज कमाते खाते हैं, सड़कों पर रहते हैं। ऐसे लोगों का पेट भरने की जिम्मेदारी उठाई है दिल्ली के इस्कॉन मंदिर ने। इस्कॉन टेंपल के कम्युनिटी किचन में गरीबों के लिए रोज इसी तरह से खाना बनता है। गरीब लोगों के लिए इस्कॉन मंदिर ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जिस दिन से लॉकडाउन का ऐलान हुआ उसी दिन से इस्कॉन मंदिर के कम्युनिटी किचन में इसी तरह से गरीबों का पेट भरने के लिए खाना बन रहा है। अब हम आपको इस्कॉन के कम्युनिटी किचन की वो तस्वीर दिखाते हैं जहां पर हर रोज करीब 2.5 लाख लोगों का खाना दो वक्त बनता है, यानी कि 5 लाख लोगों का खाना इस किचन में बनता है। और ये वो बड़ा सा किचन है जहां पर बड़े बड़े भगोनों में सब्जी, दाल, राजमा, छोले ये सब बन रहा है। और ये प्रतिदिन करीब दोपहर की बात करें तो लंच टाइम पर 2.5 लाख लोगों को सर्व किया जाता है। उसके बाद रात का खाना भी यहाँ पर बनता है, डिनर भी यहाँ पर बनता है, तो वो भी 2.5 लाख लोगों के लिए ही यहाँ पर तैयार किया जाता है। इस्कॉन मंदिर के कम्युनिटी किचन में हर रोज 5 लाख लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता है। भोजन तैयार होने के बाद इसको उन जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है जो लॉकडाउन के दौरान रोटी के लिए परेशान हैं। इस्कॉन की कम्युनिटी किचन में करीब 2.5 लाख लोगों के लिए दोपहर का खाना और इतने ही लोगों के लिए रात का खाना बनाया जा रहा है। किचन में रोज सब्जी, पूड़ी, रोटी और चावल बनाया जाता है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हमारी जो अथॉरिटी है, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, उनका मैसेज मिला हमको कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों चाहते हैं और प्रभुपाद की भी इच्छा थी तो सबको गर्म खाना खिलाया जाए। उसी दिन से हमने शुरू कर दिया था। खाने में हम लोग ये बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं कि इम्यून सिस्टम को क्रिएट करने में बेनिफिट हो, तो हम लोग जो भी हर्ब्स होते हैं, तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, देसी घी, ये सब यूज कर रहे हैं। और जो मेन्यू है हमारा, इसमें हम राजमा, छोले, कड़ी, दाल, आलू की सब्जी, रोटी, पूड़ी, चावल दे रहे हैं। तमाम बाल्टियों को साफ किया जाता है, सब्जियां इसमें भरी जाती हैं, उसके बाद ये ढक कर इन बाल्टियों को उन ई रिक्शा में रखा जाता है और उन ई रिक्शा के जरिए वो तमाम स्पॉट्स जो कि दिल्ली की करीब 200 जगहों पर बनाए गए हैं, चाहे वो MCD स्कूल हो या फिर कोई MCD सेंटर हो या फिर तमाम जगह जहां पर दिल्ली सरकार के लोग मौजूद होते हैं और वो लोग उन लोगों को वहां पर दो वक्त का खाना, ये जो खाना यहां से जा रहा है वो खाना उन्हें मुहैया करवाते हैं। तो एक बेहद ही नेक काम इस लॉकडाउन के वक्त में इस्कॉन की तरफ से किया जा रहा है कि करीब हर रोज 5 लाख लोगों का पेट इस वक्त इस्कॉन भर रहा है। फर्स्ट डे जब हम लोग हंगर सेल में आए तो उस दिन हमने और DM साहब ने डिस्कस किया, तुरंत पीयूष जी ने हमें सपोर्ट किया और हमने फर्स्ट डे ही लगभग 5,000 से ऊपर लोगों को खाना खिलाया। धीरे धीरे हमारी लोकेशंस बढ़ती गई, हमारे पास आइडेंटिफाई होती रही, हमने उसके बाद 60 लोकेशन की, 90 की, 120 की, आज हमारी 188 लोकेशंस हैं। उसके अलावा हमारी हेल्पलाइन चल रही है, हेल्पलाइन पे हमारा 24 घंटे फ़ोन आते रहते हैं, उसमें हमारे पास बार बार ये निवेदन आता है लोगों से, ये रिक्वेस्ट आती है जी वहाँ इतने लोग भूखे रह गए, इतना लोग यहाँ रह रहे हैं, तो हम उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है वहाँ पे खाना भिजवाते हैं। 5 लाख लोगों के लिए खाना तैयार कर रहे ये लोग सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। पूरी साफ सफाई के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। ई रिक्शा और उसके चालक का थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन किया जाता है। वक्त मुश्किल जरूर है लेकिन इस तरह के नेक काम के आगे मुश्किल वक्त जरूर गुजर जाएगा। इस्कॉन मंदिर की जरूरतमंदों का पेट भरने की कोशिश वाकई
सराहनीय है।